आम चुनाव की घोषणा के साथ ही देश में दल बदल का खेल तेज हो गया है। कोई बीजेपी से कांग्रेस में जा रहा है तो किसी की घर वापसी हो रही है। लेकिन आज बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी के तीन बड़े नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ विपक्षी दलों का दामन थाम लिया है। वहीं एचडी देवेगौड़ा की जनता दल सेकुलर को भी झटका लगा है। वैसे तो बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर है। बीते कई दिनों में पार्टी बीएसपी से लेकर कांग्रेस के कई नेताओं को तोड़कर अपने खेमे में ला चुकी है, लेकिन लगता है कि आज बीजेपी का दिन अच्छा नहीं था। तभी तो आज तीन तीन राज्यों में पार्टी को उसके नेताओं ने तगड़ा झटका दिया है। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीसी खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आज देहरादून में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा। बताया जा रहा है कि मनीष खंडूरी अब पौड़ी गढ़वाल से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इससे पहले शुक्रवार को उन्हें मनाने की कोशिश की गई थी। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहां भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्यामा चरण गुप्ता को समाजवादी पार्टी ने बांदा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। श्यामा चरण गुप्ता ने अभी तक बीजेपी से इस्तीफा भी नहीं दिया है। आपको बता दें कि श्यामा चरण गुप्ता पहले भी बांदा से समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुके हैं, तो एक तरह से आज उनकी घर वापसी हुई है। असम में भी तेजपुर से बीजेपी सांसद रामप्रसाद शर्मा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वो पार्टी की नीतियों से बेहद दुखी हैं। एक तरफ जहां बीजेपी को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं जेडीएस के लिए भी आज दिन अच्छा नहीं रहा। पार्टी के वरिष्ठ नेता दानिश अली मायावती की बीएसपी में शामिल हो गए हैं। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा की मौजूदगी में वे पार्टी में शामिल हुए। वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। आपको बता दें कि दानिश अली ने ही कर्नाटक में चुनाव के बाद कांग्रेस और जेडीएस के बीच गठबंधन कराने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं अब पार्टी का साथ छोड़ वो बीएसपी में आ गए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।